They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. लोग कैसे हो यार। तो यार स्वागत है हम लोग का एक और है BGMI के गेम वीडियो में। और आज तुम्हारा भाई जो ही तगड़े वाला 1v1 लेने और हाँ पता नहीं गले में खराशी हो रखी है, खांसी बहुत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारा भाई ऐसा 1v1 लेने वाला है, मतलब भाई कहते आर पार का मामला, या तो वो मरेगा या मैं। लेकिन तुम्हारा भाई ऐसी हरकत करेगा मजा आ जाएगा। फिलहाल के लिए कूदे एंशिएंट रूम में, फटाफट से शुरू करते हैं। ओके और यही वो नूबड़ा है जिसे आपने इंट्रो में देखा था, क्या नाम है इसका, AS गेमर नूबड़े अभी रुक। शाबाश। और ये दोनों अलग टीम के थे मेरे को अभी पता चला, मुझे लगा एक ही टीम के होंगे, टीम हो जाएगी ऑल डेड। लेकिन नहीं, दूसरा AF के था, तो इसे भी पकड़ लेते हैं। और जिस बंदे को मैंने सबसे पहले पकड़ा था वो बेशरम विक्टर को, वो देखो अब क्या करता है बेशरम। और गाइस ये वाला जो 1v1 लिया है ना मैंने इस वाले विक्टर से, भाई लाइक कर, तुम देख रहे हो कहते यार ये पार का मामला था, या तो वो मरता है या मैं। लेकिन तुम्हारा भाई ऐसे हेड चिपकाता है, पेटी बन गई। और ये बॉट को भी लपेटा, अभी रुक इसके पीरियड डालता हूँ, भाग कहाँ रहा है, ये ले पेटी का, ऐसे दो बार पकड़ लिया यहाँ पे। और ये बॉट पता नहीं कितने लड़े पड़े हैं। मजाक से हटके ये कौन था नूबड़ा, कसम से मैं जब खेल रहा था गेम में इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया मेरा, पता नहीं कब से बैठे पड़े हैं यार वहाँ पे, कब से बैठे होते हैं ये लोग कुछ नहीं पता होता। जब मैं बोर्ड को मार रहा होता ये वहां से निकला, और मुझे कसम से यार इतना मेरा दिमाग खराब होता है ना, मैं तो क्या ही बताऊं कसम से। और ये मैं टाइटल डाल सकता था कि कैंपर ने मारा, लेकिन कई बार डाल चुके हैं तो क्या ही करें भाई। ऐसा मिले ना मुझे दोबारा, ऐसे से पकड़ के मारूंगा, इन्हें अपनी जिंदगी में ऐसी पिटाई नहीं झेली होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और क्या मैं यहाँ पे बचूं, मैं ये बता दूं पहले इसकी पिटी डालने अच्छे से, भाई कसम से यूज ही रखती मुझे घटिया लगती है ना, 25 गोली किसी काम की नहीं, 20-30 गोली पड़ जाए तब भी कुछ नहीं होता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और मैं वहां पे इतना ज्यादा बेवकूफ बन गया था, यस बिल्कुल बेवकूफ, कि गन रिलोड यूज ही मैंने की ही नहीं, शॉटगन लेकर घुस गया। लेकिन भाई मरा भी नहीं वो, एक शॉटगन क्या अब दम ही नहीं रही, शॉटगन में बात ही नहीं है वो, तो जो भी हो हटा उसे। आते हैं इस वाले मैच में मैं कूदा होता हूँ एंशिएंट रूम में, वहाँ कोई नहीं मिलता, इधर घरों में नूबड़े बैठे पड़े थे। तो ये निकाला तुम्हारे भाई ने ग्रेनेड, और देख रहे हो नेड वॉट तो मैं हूँ ही भाई, नेड ऐसा हो ही नहीं, कभी फटे ही नहीं, हमेशा फट रहा नेड। तो देखो इसकी मैं पेटी अभी नहीं डालता, वो मेरे टीम में डाल देंगे। ऊपर की तरफ सामने को मेरे को एक बंदा दिखा था, तो मैं वहीं जाता हूँ। अब बस मेरे को तुम ये बता दो, मैं बताऊँ क्या भाई, मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहा, मैं कुछ भी बोलने लायक नहीं रहा हर मैच में कसम से। अभी मैं खेल रहा हूँ, मतलब कुछ दिनों से खेल रहा हूँ, तो भाई कैंपर इतने ज़्यादा कैंपर है, ये देखो कहीं सांप मिल रहा है, कहीं लेटे हुए बैठे हुए, हर तरीके के कैंपर मिलेंगे भाई कसम से, मैं कुछ नहीं बोलने लायक रहा। आगे बढ़ते हैं। एक बंदे को पकड़ा यहाँ पे, दूसरा मेरे को ऊपर से फायरिंग दे रहा होता है। देखो तुम्हारा भाई कैसे पकड़ेगा भाई, फुल क्लच करने वाले हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। देखो मजा आया। और गाइस ये जो लपेटा है ना, मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, बटन दबाओ अभी, क्या अभी बटन दब जाना चाहिए,
देख रहे हो इन नोबड़ों को क्या लगा, मतलब मुझे पकड़ेंगे। देखो नोक करने से कुछ नहीं होता, नोक भी वैसे नहीं कर पाए। नोक करने से क्या, जो पीढ़ी डाले उसका नाम। तो एक की मैं डाल देता हूँ यहाँ पे और दूसरे के लिए मैं जाता हूँ पीछे से। तो गाइस पीछे से भी नहीं जा पाते क्योंकि एक बंदा रिवाइव दे रहा होता है, मुझे पोजीशन नहीं पता थी तो मैं घुसता ही नहीं ऐसे। लेकिन ये भाई आते हैं, मैं यहाँ पे कैंप करके बैठा होता हूँ मस्त एकदम। ये डाला नीड और ये पकड़ा गया नेड से, नहीं चलो मॉली से। तो क्या पीडी डाल दी यहाँ पे मैंने इसकी, तो सारे बंदे किस्तों में ही आ रहे थे लगभग लगभग इसके। और फिर इसके बाद क्या, इनका आखिरी बंदा बचा था। देखो तीन किल तो मेरे हो रखे हैं, लास्ट बंदा था इधर ऊपर बैठे हुए। तो तुम्हारा भाई लगा था आई क्यू ट्रिक, ये भाई लड़ने में बिजी। मैं यहाँ पे घुसता हूँ जल्दी से। ओल डेड कर दी एक टीम तुम्हारे भाई ने बड़े आराम से, सारे बंदे आए किस्तों में सबके पीड़ी डाल दी। क्यों आ रहे हो अलग अलग, एक एक करके और भाई और आओ एक एक करके, तीनों की पीड़ी डाली निकल लेते हैं फिर। और फिर ये देखो तुम्हारे भाई की किस तरीके से पीड़ी बनती है, अचानक से बग्गी आती है, स्प्रे भी नहीं दे पाता मैं, बड़ी तेजी से लाते हैं बंदे नोक के लेकिन दूसरा पकड़ लेता है। तो इतना ही इस वाली वीडियो पर, आई होप आपको वीडियो मजा आएगा, नहीं आ जाके आगे वाली वीडियो देख लो और सब्सक्राइब करके जाओ।